हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। सो दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 4 फॉर इंश्योरेंस। अच्छा, कल एक बच्ची का कमेंट आया हुआ था कि सर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। पहले एक बेसिक तो बिल्डअप कर लें, क्योंकि इंश्योरेंस का आपका ये पूरे का पूरा कोर सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कहीं और कवर होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक MCQs या कुछ वैसा करा रहा हूँ, नहीं, पूरे का पूरा इंश्योरेंस का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। एक कोर बिल्डअप होने दो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने दो, फिर इसके अंदर MCQs भी कराऊंगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों। पहले 3 लेक्चर आशा करता हूँ आपने देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे कोशिश करें कि सीक्वेंस फॉलो करें लेक्चर्स का, ठीक है? ऑर्डर के अंदर लेक्चर्स को देखें, उससे क्या होगा, आपका पूरे का जो पूरा सब्जेक्ट क्लैरिटी है वो बिल्डअप होगा। AOEO के अंदर इंश्योरेंस का टॉपिक नहीं है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। APFC के बच्चे जो सिर्फ APFC का एग्जाम दे रहे हैं, या जो APFC का बेसिकली एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए है ये। एंड अगर आप YouTube फाइल्स चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक छोटी सी पेमेंट उसके लिए करनी होती है, 99 रुपीज, लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ कॉफी, जस्ट फॉर सीरियसनेस। उसके अलावा आप MCQ कोर्सेज देख सकते हो, IRL, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी गैप, ये वाले कंपोनेंट हैं MCQs के अंदर। ये कॉम्बो है, या इंडिविजुअली भी देख सकते हो। अगर आप कॉम्बो कोर्स ले रहे हो, तो PDF आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलिए, सो इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने जो टॉपिक कवर करना है, दैट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं इंश्योरेंस के, उसमें से देखो ये जो प्रॉक्सीमेट कॉज वाला प्रिंसिपल है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? बाकी के प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन का क्या प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रीब्यूशन, डिडक्टेबल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आज हमने इस लेक्चर के अंदर समझने हैं। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो ना कहीं जो आप पॉइंट्स रीड करोगे, तो ये प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट होते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, ठीक है? तो इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इंश्योरेंस का ये आपका होने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। एंड प्रॉक्सिमेट कॉज मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है? तो वो हम यहां पर रिपीट नहीं करेंगे, बाकी के प्रिंसिपल्स करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है? देखो जी, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो दोनों पार्टीज को एक प्रिंसिपल ये फॉलो करना है कि वो एक दूसरे से कुछ भी छुपाए ना, ठीक है? दे मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटीरियल फैक्ट विच इज नोन, चाहे वो इंश्योर्ड है या वो इंश्योरर है, दोनों को ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। इंश्योरर को सारी टर्म्स एंड गाइडलाइंस को क्लियरली बताना है। अब जैसे कांजी भाई के साथ हुआ था, ओ माई गॉड के अंदर, उसको क्या हुआ, वो क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट आया और उसने आकर के बस जहां जहां साइन करने को बोला, मैंने साइन कर दिया। तो इंश्योरेंस एजेंट ने उसको ये नहीं बताया कि भाई अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, उसकी वजह से अगर तुझे नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं कुछ करेगी, ठीक है? तो वो अटमोस्ट गुड फेथ के प्रोविजन को उसने तोड़ दिया इंश्योरेंस एजेंट ने। सिमिलरली आप अपनी इंश्योरेंस कराने गए, और जब आप अपनी इंश्योरेंस कराने गए, आप फॉर एग्जाम्पल अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस कराने गए, ठीक है? तो वो हेल्थ की इंश्योरेंस जब आप कराने जाओगे, तो वो आपसे पूछेगा, जी हाँ जी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री बताओ, मेडिकल रिकॉर्ड बताओ। उसमें आपने उसको छुपा लिया कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो दैट इज ऑन योर पार्ट, यू आर हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अगेन, अगर कल को ये बात सामने आ जाती है, तो इंश्योरेंस एजेंट आपको आपका क्लेम पास करने से भी मना कर देगा, क्योंकि यू हैव नॉट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है, एक तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा होता है कंसील नहीं करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। दो अलग अलग चीजें हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है गलत इंफॉर्मेशन देना, और कंसीलमेंट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने छुपा लिए। जो इंपॉर्टेंट डिटेल एक इंश्योरेंस कंपनी को पता होनी चाहिए थी इंश्योरेंस देने से पहले, या एक पर्सन हु इज बाइंग द इंश्योरेंस उसको पता होनी चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले, वो आपने कंसील कर ली। ओके,
उस केस में, दोनों ही केस में मिस रिप्रेजेंटेशन है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फायर इंश्योरेंस ली, ठीक है, तो जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ती है कि भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके अंदर गुड्स किस टाइप के आपने स्टोर किए हुए हैं, इजीली फायर कैच करने वाले गुड्स हैं या फायर को रिपेल करने वाले गुड्स हैं, किस टाइप का प्रोसेस उसके अंदर कैरी हो रहा है, लोकेशन क्या है, क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हैं, ओके, ये सब आपको डिटेल देनी होती है। अब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ जी आपको ना वहां पर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, वहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रॉपर यूज रखना है। आप कहते हो हाँ हमने सब रखा हुआ है, कल को आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी को पता चला दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स वर नॉट देयर, तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि सबको सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक देसी भाषा में। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट देखेंगे। अब आप इंश्योरेंस किस चीज का कराते हो? या तो आप लाइफ इंश्योरेंस कराओगे, लाइफ इंश्योरेंस आप किसका कराओगे, अपना कराओगे या अपनी वाइफ का कराओगे, ठीक है, या आप अपने घर का कराओगे, अपनी बिल्डिंग का कराओगे, अपनी गाड़ी का कराओगे, अपने स्कूटर का कराओगे, ठीक है। क्या आप इंश्योरेंस अपने पड़ोसी का कराते हो? क्या आप इंश्योरेंस अपने पड़ोसी की गाड़ी का कराते हो? क्या आप इंश्योरेंस अपने पड़ोसी के शॉप का कराते हो, उसके घर का कराते हो? नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अगर पड़ोसी का घर जल गया और उसकी इंश्योरेंस, तो उसको पैसे मिलेंगे ना, आपको तो कोई पैसे ही नहीं मिल रहे। एक तरीके से इकोनॉमिकल इंटरेस्ट आपका जीरो है। सिमिलरली आपने आपने नहीं, किसी और का एग्जांपल मैं लूंगा, एक्स वाई जेड बंदे ने इंश्योरेंस करा रखा है अपने पति का, ठीक है, तो पति का इंश्योरेंस उसके इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, क्योंकि वो पैसा कमा करके लेकर के आता है घर पे, समझ रहे हो, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आप पड़ोसी के पति का इंश्योरेंस कराओगे क्या, या पड़ोसी की वाइफ का इंश्योरेंस कराओगे? नहीं कराओ, क्योंकि उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है जी, कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो किसी भी आइटम की या किसी भी इंडिविजुअल की, फॉर एन अनफोर्सीन इवेंट जैसे लॉस या डेथ, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर पर्सन की इंश्योरेंस लेते हो जिससे आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो मैं पूरे गली में, मेरी जो सोसाइटी है उसमें पूरे के पूरे सब लोगों का इंश्योरेंस करा दूंगा कि कभी ना कभी तो मरेंगे ही, कोई अमरता तो लेकर के आया नहीं है, सबका इंश्योरेंस करा दो, जब जब जो जो मरता रहेगा पैसा मिलता रहेगा, है ना, अभी तो प्रीमियम ही भरना है, और एक्सीडेंट करवा देंगे लोगों के, उनकी इंश्योरेंस ले लो और फिर एक्सीडेंट करवा करवा के इंश्योरेंस का पैसा खाएंगे, मस्त धंधा बन जाएगा फिर तो, समझ रहे हो। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए उस गुड से। आप अपनी दुकान की इंश्योरेंस करा रहे हो क्योंकि वो आपका रोजी रोटी है, आप अपने घर का इंश्योरेंस करा रहे हो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट है, आप अपनी बीवी का इंश्योरेंस करा रहे हो क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अकर्स ड्यू टू ओनरशिप, या तो आपने खरीदा हुआ है, आपके पोजेशन में कोई गुड है, आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओके। It can be understood from the following example that any individual will have an insurable interest in his home or family and not on some random home or family. समझ आ गया principle of insurable interest क्या कहता है? जिसमें individual का self interest है, जिसमें उसको कोई financial benefit मिल रहा है, उसका आप insurance करा सकते हो। Next आ जाता है आपका principle of indemnity, ये भी बड़ा अच्छा एक principle है। Principle of indemnity क्या कहता है कि कोई भी insurance company, for example आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में जो कॉस्ट निकल करके आई उसको रिपेयर करने की 20 रुपए आई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 20 रुपए ही देगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको आकर के 30 रुपए दे देगी कि ले तू 10 रुपए का प्रॉफिट कमा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि इंडिविजुअल को प्रॉफिट कराने के लिए नहीं है ये इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस क्या बोलता है? Getting the insured to the same financial condition, कि भैया जैसे उसकी कार पहले थी वैसा हो जाएगा, उस कंडीशन में लेकर के आना है। अब फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा जब आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप नई गाड़ी की इंश्योरेंस ले रहे हो या रिन्यू करा रहे हो इंश्योरेंस, तो पहले वो इंश्योरेंस एजेंट एक घर पे आता है, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट आपको देने से पहले वो गाड़ी की फोटो वोटो सब लेकर के जाता है। वो क्यों लेकर के जाता है? वो देखता है कि पहले से क्या क्या डैमेज हुआ हुआ है गाड़ी में, ताकि कल को अगर आप क्लेम लेने जाओ तो इंश्योरेंस वाले बोल देंगे कि भैया ये डैमेज तेरा हमारे क्लेम लेने से पहले का हो रखा है,
ठीक है। हाँ अगर फर्दर तेरा कुछ गाड़ी का टूट गया तो उसमें हम तुझे उस सेम कंडीशन में लेकर के आएंगे जहां जब तूने इंश्योरेंस ली थी तब था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिट वाला इसमें सिचुएशन नहीं है। तो इससे नहीं तो क्या होगा कि इंश्योर्ड जो है वो जानबूझकर के प्रॉफिट बनाने के लिए अपना नुकसान करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने वो आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया था ना, अगर एप्पल की कंपनी वालों को पता चल गया ना कि उनके सेल्समैन इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस बेचनी है, लिटरली वो ऐसे बोलते हैं कि सर 11 महीने बाद फोन तोड़ देना ताकि आप नया फोन ले जाओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है प्रॉफिट का सिस्टम नहीं होगा, जितना आपका नुकसान हुआ है उतने नुकसान की भरपाई होगी। ओके, और वो भी अप टू द लेवल जो पॉलिसी में स्पेसिफाइड है। फिर आ जाता है आपका सबरोगेशन। अब सबरोगेशन क्या है इसको भी समझो, एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूं, वो एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर रेड लाइट थी, ठीक है, ये रेड लाइट यहां पर थी, ट्रैफिक से एक आदमी इस रेड लाइट को तोड़ करके निकल गया, और क्योंकि वो रेड लाइट निकला, तोड़ करके निकला, यहां आपकी गाड़ी खड़ी थी, यू वर मूविंग, आप ऐसे सड़क क्रॉस कर रहे थे क्योंकि सामने वाले की रेड लाइट थी, और उसने रेड लाइट तोड़ दी, तो यहां पर आपकी गाड़ी को उसने ठोक दिया, ठीक है, अल्टीमेटली आपकी कार का नुकसान हो गया। अब आपकी जब कार का नुकसान हो गया तो आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई कार का नुकसान हो गया, कार ठीक करानी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ठीक है भाई, हम तुझे क्लेम देंगे, तूने हमसे इंश्योरेंस ले रखा है। तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, इंश्योरेंस जो पॉलिसी आप लेते हो ना उसमें लिखा होता है कि जब आप क्लेम ले रहे हो ना, तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास एक तरह से राइट आ जाता है कि वो इस पर्सन को, द पर्सन कॉल्ड एक्स जिसने आपका एक्सीडेंट किया, इसको सू कर सकती है। किस चीज के लिए? रिकवर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिकवरी एक्स से करेगी कि भाई तूने एक्सीडेंट करा था, तू नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, तूने रेड लाइट तोड़ी, उसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ, हमें क्लेम पे करना पड़ा, अब हम तुझे सू कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तू करेगा। ठीक है, देखो जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वाई, उसको तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने वाई से सू करने की अथॉरिटी ले ली। सू तो वाई भी कर सकता है एक्स को, कोर्ट में तो वाई भी लेकर के जा सकता है एक्स को, लेकिन जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे राइट, ये सबरोगेशन का प्रिंसिपल साइन करवाते हैं कि भैया हम तुझे क्लेम दे देंगे, लेकिन फिर जो तेरी सू करने की तेरी पावर है, यानी कि एक्स के ऊपर तू केस कर सकता है क्योंकि उसने तेरा एक्सीडेंट किया है अपनी नेग्लिजेंस से, वो हमारे पास अथॉरिटी आ जाएगी। तो ये सबरोगेशन का कंसेप्ट है। ओके, यहां पर देखो, इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली रिक्वायर सबरोगेशन इन एक्सचेंज ऑफ फॉर पेइंग आउट अ डैमेज क्लेम। ठीक है, यहां पर क्लेम तो दे दिया हमने, पर हम तेरा जो सबरोगेशन है वो हमें चाहिए। दे डू सो बिकॉज दे वॉन्ट टू सू द ऑफेंडिंग पार्टी। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक्स को सू करना चाहता है सो दैट दे कैन रिक्लेम द मनी दे हैड टू पे आउट इन डैमेजेस, जो इन्होंने एज अ क्लेम दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसे पैसे बांटते रही वो तो बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना है। अब अगर ये सबरोगेशन का प्रिंसिपल नहीं होता तो जो वाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम ले लेगा, और वो जाकर के एक्स को कोर्ट में सू भी कर देगा, उसकी तो दोनों उंगलियां घी में हो गई, ठीक है, उसकी दोनों उंगलियां घी में हो गई। तो यहां पर क्या होता है, ये सू करने की जो वाई की पावर है ना, अब ये इसके पास नहीं रहेगी, आफ्टर टेकिंग द क्लेम ये पावर चली जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सबरोगेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है, दो इंश्योरेंस कंपनी है ए और बी। अब आपने अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले ली, ए से भी ले ली बी से भी ले ली, फायर इंश्योरेंस ले ली, ठीक है, फायर इंश्योरेंस ले ली। अब आपके घर में आग लग गई, यार मेरी ना इंश्योरेंस के टाइम पर आपके बोलना की आदत छोड़नी पड़ेगी। एक्स एक्स ने इंश्योरेंस ली ए और बी की, और एक इंश्योरेंस कंपनी ए है, एक इंश्योरेंस कंपनी बी है, एक्स के घर में आग लग गई, एक्स गया ए के पास कि दो भैया पैसा दो, आग लगी थी पॉलिसी ले रखी है पैसा दो। तो ए ने एक्स को पैसा दे दिया। अब ए को ये पता है कि एक्स ने बी से भी इंश्योरेंस ले रखी थी, तो वो ए बी के पास जाएगा कि भाई एक्स के घर में आग लग गई थी, ठीक है, तूने भी इसको पॉलिसी बेची थी, मैंने भी बेची थी, क्लेम का सारा पैसा मैंने इसको दे दिया है, तो आधा पैसा अब तू मेरे को देगा, आधा पैसा तू मेरे को देगा क्योंकि उसके घर में आग लगी थी और तूने भी पॉलिसी बेची है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर
who have paid a loss under a policy to recover a proportionate amount from other insurers, जिन्होंने पॉलिसी दी हुई है. एग्जाम्पल यहाँ पर ये घर का ही है जो मैंने आपको दिया है, फायर वाला. इसको आप आराम से पीडीएफ के अंदर रीड कर सकते हो. सो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन. बेसिकली शेयरिंग करनी पड़ेगी जहां पर एक से ज्यादा पॉलिसीज ली हुई हैं अलग अलग कंपनीज से, तो वहां पर शेयरिंग करनी होगी. डिडक्टेबल्स क्या होता है? डिडक्टेबल्स बेसिकली एक्सपेंस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम में से डिडक्ट करती है. जब भी आप कुछ क्लेम लेने जाओगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस गिना देंगे कि हम जी ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का खर्चा करेंगे, ये हम इस फलाने का खर्चा करेंगे, ये हम ढिमके का खर्चा करेंगे. वो क्या होता है? वो होता है डिडक्टेबल. ठीक है, तो ये बेसिकली वो पैसा होता है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको खुद ही पे करना होगा. ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी. ओके, तो ये डिडक्ट होने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसको एज अ क्लेम मिलेगा. ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं अपना खर्चा कम करने के लिए और पॉलिसी होल्डर को प्रिवेंट करने से कि वो एक्सेसिव क्लेम्स ना ले. अब फॉर एग्जांपल किसी का 100 रुपये का नुकसान हो गया गाड़ी का, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाए कि भाई 100 रुपये का क्लेम दो. तो देखो इंश्योरेंस कंपनी का भी तो खर्चा होता है ना. क्लेम के लिए पहले असेसर को भेजेंगे, फिर उसकी फाइल सर्कुलेट करेंगे, 100 रुपये का खर्चा है. तो ऐसे माइन्यूट क्लेम्स के लिए लोग उनके पास ना आए, ये भी एक रीजन होता है इन डिडक्टेबल्स को लेकर के आने का. कि बंदा वैसे डर जाएगा, यार मैं 100 रुपये का क्लेम लेने जाऊंगा, 400 रुपये तो ये मेरे ऊपर और कॉस्ट लगा देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह. तो डिडक्टेबल्स बेसिकली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है जो इंश्योर्ड पर्सन को पे करना होता है. नाउ फाइनली द लास्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव टू डू इन दिस लेक्चर गाइस इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या होता है? अब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं है कि चल जलने दे, आपकी शॉप की आपने इंश्योरेंस लिया, चल जलने दे, गुड्स को जलने दे, अपना क्या जा रहा है, अपन ने इंश्योरेंस ले रखी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर. आपको प्रॉपर केयर उसकी लेनी होगी. अब फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान में आग लग गई, वहां पर गुड्स रखे हैं, आप ऐसे कुर्सी डाल करके आग सेकने नहीं बैठ जाओगे कि कोई बात नहीं इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, क्लॉज क्या कहेगा कि भाई लॉस मिनिमाइजेशन की कोशिश करनी है कि वहां पर तुमने आग बुझाने की कोशिश करी, तुमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, तुमने कोई और एक्शंस लिए जिससे तुम उस लॉस को मिनिमाइज कर सको, आग को बढ़ने से रोक सको, गुड्स की डिस्ट्रक्शन को कम से कम कर सको. तो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन आपको फॉलो करना है. और अगर आपने नहीं फॉलो किया, अगेन इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम से डिनाई कर सकती है. ये ओनर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, या जो इंश्योर्ड है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप्स उसको लेने हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन को कम से कम कर सके. जब भी कहीं पर कोई आग वगैरह लगती है, तब आप देखते हो ना कि इंश्योरेंस कंपनीज पूरी जांच पड़ताल करती हैं कि भाई इसने ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है. ठीक है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर आग लगी है तो उस केस में फिर वो क्लेम नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे गुड्स हैं फैक्ट्री के अंदर जो इजीली फायर कैच कर सकते हैं, कोई ऐसा केमिकल है, मालिक वहां पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है. ठीक है, तो वो अगर प्रूफ हो गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी. वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, की ओनर की ऑब्लिगेशन है कि मैक्सिमम एफर्ट्स किए जाएं, मैक्सिमम नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं लॉस को मिनिमाइज करने के. ओके गाइस, सो दीज वर द प्रिंसिपल्स दैट वी हैड डन क्विकली इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस. पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को शेयर करना है. और तुम लोगों ने, जितने तुम रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तुम ये ठान लो कि यार तुमने कम से कम 10 सब्सक्राइबर्स इस चैनल के अंदर ऐड करवाने हैं. ठीक है, डेस्परेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि अल्टीमेटली इस चैनल को ग्रो करवाना ही एक मकसद है अभी तो देखो. ठीक है, एग्जाम्स आपके क्लियर कराना वो तो प्राइमरी मोटिव है ही है, बट चैनल को ग्रो करेंगे तभी हम फर्दर और बच्चों तक पहुँच पाएंगे. कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मेल है, टेलीग्राम में लिंक है. मिलेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय.